हेलो स्टूडेंट वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला. दिस इज महेश नागर एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर्स ऑफ रिमेनिंग लेशंस और रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 12th एमपी बोर्ड. आपकी जो नई क्वेश्चन बैंक है उसके फर्स्ट टू फाइव यूनिट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. 6 से लेकर लास्ट यूनिट तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं. यूनिट नंबर 6 स्टाफिंग है. सबसे पहले एमसीक्यू है. फर्स्ट एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ये कौन सा सोर्स है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ये बताना है. तो सी वाला आएगा, सॉरी बी वाला आएगा. ये एक एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स है. सेकंड है ट्रेनिंग एम्फेसिस ऑन. ट्रेनिंग किस चीज़ पर फोकस करती है, तो ये ट्रेनिंग जो है वो स्पेसिफिक काम पर करती है, इसलिए डी आएगा, बिजनेस नॉलेज के ऊपर. थर्ड है स्टाफिंग. इज स्टाफिंग क्या होती है, टू प्लान, टू कंट्रोल, टू डायरेक्ट या फिर टू पुट द पर्सनल एट वर्क. तो पर्सनल को यानी कि व्यक्तियों को काम पर रखना ही जो है वो क्या होता है, स्टाफिंग होती है. तो डी वाला ऑप्शन सही होगा. फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नीचे सोर्स दिए हैं उसमें से रिक्रूटमेंट का कौन सा सोर्स नहीं है, तो इसमें आएगा सी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो नहीं होते हैं सोर्स. फिफ्थ है विच काइंड ऑफ सोर्स इज प्रमोशन. प्रमोशन कौन सा सोर्स है, तो ये इंटरनल सोर्स होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से, टू डिवाइड द कैंडिडेट्स इनटू एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इज कॉल्ड. तो सिलेक्शन की प्रोसेस में ये होता है कि कुछ सेलेक्ट होते हैं और कुछ रिजेक्ट होते हैं, तो एलिजिबल या इनएलिजिबल डिसाइड करना सिलेक्शन में होता है. सेकंड है आफ्टर रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के बाद क्या कौन सी प्रोसेस आती है, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन आएगा इसमें. थर्ड है जॉब रोटेशन मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोस्टली पॉपुलर इन. ये बैंक्स में बहुत ज़्यादा होती है, तो बैंक इसमें ऑप्शन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. और फोर्थ वाला है सिलेक्शन इज ए मींस नॉट एंड. इसमें ई एन डी वाला एंड आएगा. उसके बाद ट्रू फॉल्स पे चलते हैं. ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज इज नॉट पॉसिबल अवे फ्रॉम जॉब. जॉब के बाहर ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, तो बिल्कुल दी जा सकती है, ये फॉल्स है. दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. तो बिल्कुल सही है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ट्रू है. थर्ड है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. बिल्कुल अंतर होता है, ठीक है, फॉल्स है ये. फोर्थ है सिलेक्शन इज ए पॉजिटिव प्रोसेस. बिल्कुल गलत है, ये नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को रिजेक्ट भी करते हैं. फिफ्थ है स्टाफिंग इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ये भी फॉल्स है, क्योंकि स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. उसके बाद है मेज द कॉलम. अपॉइंटमेंट क्या होती है, अपॉइंटमेंट से सी मिलेगा, यानी कि अपॉइंटमेंट के बाद जो है वो क्या होता है, ट्रेनिंग होती है. स्टाइफंड, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्टाइफंड जो है वो ट्रेनिंग होगा, ठीक है ना. इसमें आएगा आपका अपॉइंटमेंट जो होता है वो रिक्रूटमेंट से होता है. तो फर्स्ट का ए आएगा, सेकंड का स्टाइफंड ट्रेनिंग पर मिलती है. इंटरव्यू जो होते हैं वो, ठीक है, वो ओरल स्क्रीनिंग होते हैं, यानी कि इसमें डी आएगा. और फोर्थ बचता है सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज ए मैनेजरियल टास्क. ये एक मैनेजर का टास्क होता है, ठीक है. चलिए दोबारा से बता देता हूँ. फोर्थ वाला ऑप्शन सॉरी मिस हो गया था, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ. अपॉइंटमेंट जो होती है एक्चुअली में वो एक मैनेजरियल टास्क होता है, यानी कि फर्स्ट में तो आएगा आपका बी, दूसरे में स्टाइफन में सी आएगा, ट्रेनिंग, इंटरव्यू में डी आएगा, क्योंकि ये एक ओरल स्क्रीनिंग होती है. सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट सोर्सेस में आएगा आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि ए आएगा. फोर्थ में जो है वो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. ये आपका मैच हो जाता है, ठीक है. उसके बाद अपन चलते हैं सेवन्थ यूनिट पर. इसमें आपके एमसीक्यूज़ है. एमसीक्यू में सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज़, तो इसमें सी आएगा, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन का सोर्स मॉनेटरी भी होता है और नॉन मॉनेटरी भी होता है. द मैनेजर ऑफ सुपरवाइजर लेवल इज़, सुपरवाइजर लेवल का जो मैनेजर होता है वो क्या होता है, तो उसमें आएगा सी, लोअर मैनेजमेंट का पार्ट होता है. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज ग्रेपवाइन और क्लस्टर टाइप कम्युनिकेशन. तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स. इनफॉर्मल यानी कि बी वाला आएगा. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से, लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ. लीडरशिप किसका पार्ट है, तो वो है मैनेजमेंट का पार्ट, तो मैनेजमेंट आएगा. डायरेक्टिंग इज ए, डायरेक्टिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. इंटरनल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज फॉर्मल, सॉरी इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल फॉर्मल होता है, ठीक है. ये
अप टू डाउनवर्ड चलता है। उसके बाद वन वर्ड देख लेते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आर देयर। तो अलग अलग बुक्स अलग अलग बताती है, लेकिन 7 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। सेकंड है, हु आर सुपरवाइज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सुपरवाइज कौन करे जाते हैं, तो वो करे जाते हैं सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स। थर्ड वाला है, बाय हुम इज़ द वर्क ऑफ सुपरविजन इज डन, सुपरविजन का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो बाय सुपरवाइजर्स, ठीक है, सुपरवाइजर्स करते हैं। फोर्थ वाला है, विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो ये होता है अप टू डाउन, अप टू डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी 7th यूनिट ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम 8th यूनिट पर चलते हैं, ट्रू फॉल्स। डेविएशन इज़ ए नेगेटिव प्रोसेस, तो बिल्कुल ट्रू है, नेगेटिव प्रोसेस ही होती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है, ट्रू है। थर्ड है, बजट्स आर नॉट बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्टिंग प्रडिक्शन, ये फॉल्स है, क्योंकि ये हमेशा फ्यूचर प्रडिक्शन पर ही बनाए जाते हैं। बाय कंट्रोलिंग डिसिप्लिन इज एस्टैब्लिश, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद मेज द कॉलम है, ठीक है। बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल में आएगा बी, ये एक मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक है। सेकंड है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, तो ये होती है फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, इसमें आएगा डी। कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है, तो इसमें थर्ड में सी आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड है ये। फोर्थ में, इनकम कॉस्ट इज इक्वल टू, यानी कि जो कॉस्ट होती है वो इनकम की, वो इक्वल टू होती है किसके, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। यानी कि जब इनकम जो है वो कॉस्ट के इक्वल हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। फिफ्थ है, मार्जिनल मैनेजरियल ऑडिटिंग क्या होती है, तो ये ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक होती है। उसके बाद वन वर्ड या वन सेंटेंस वाले आंसर से, तो विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, तो ये प्राइमरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन आंसर आएगा। व्हाट इज कॉल्ड डेविएशन, डेविएशन क्या है, थोड़ा लंबा आंसर है, देख लीजिएगा। कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड सेट, यानी कि एक्चुअल वर्क का कंपैरिजन स्टैंडर्ड सेट के साथ करना, दैट इज डेविएशन कहलाता है। थर्ड है, विच काइंड ऑफ कंट्रोल इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये आएगा रॉ मटेरियल कंट्रोल, ठीक है, रॉ मटेरियल कंट्रोल। फोर्थ है, विच प्रोसेस हेल्प्स टू पॉइंट आउट वीकनेस और एरर्स, कंट्रोलिंग, आंसर है कंट्रोलिंग। ठीक है, यहाँ पर 8th यूनिट ख़त्म हो जाती है, 9th यूनिट में चलते हैं। सबसे पहले MCQs है, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, फाइनेंस का सबसे चीपेस्ट सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है और खुद का ही होता है ये, फर्म का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड में कौन इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो सभी होते हैं इसमें, डिविडेंड्स को छोड़कर, ठीक है, डिविडेंड्स को छोड़कर, यानी कि बी वाला सही ऑप्शन होगा। थर्ड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, मिडिल टर्म फाइनेंस है, या लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, तो ऑल ऑफ द एबो सबसे रिलेटेड है। फोर्थ है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें डी आएगा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, इसको डेटर्स कर लीजिएगा, DEBTORS, डेटर्स, डेटर्स सही ऑप्शन होगा। वन वर्ड वाले आंसर्स देख लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे फाइनेंस की जगह बिजनेस आएगा, एक्चुअली मैं क्वेश्चन गलत हो गया है, व्हाट इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, तो आंसर आएगा फाइनेंस, यहाँ पे आंसर लिखा गया है फाइनेंस आंसर होगा। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एक्वायरिंग फिक्स कैपिटल, तो कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो आप लिख सकते हैं शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डेमेचर्स, रिटेन अर्निंग, ये आपके एक ऑब्जेक्टिव का जो MCQ है उसका जो ऑप्शन है वो होते हैं, ठीक है, तो शेयर्स, डेमेचर्स, रिटेन अर्निंग ये हो जाएगा, एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये हो सकता है। थर्ड है, व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ये होती है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स आंसर होगा। फोर्थ है, व्हाट इज कॉल्ड द सम टोटल ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट का सम टोटल कहलाता है वर्किंग कैपिटल, क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल। फिफ्थ है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग का सब शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम टाइम कितना होता है, तो वो होता है स्टूडेंट्स 1 ईयर, 1 साल का वो होता है। ठीक है, यूनिट नंबर 10 पर चलते हैं, हु कंट्रोल मनी मार्केट इन इंडिया, इंडिया में मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो RBI, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इन विच ईयर सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड, सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, फरवरी में, ये हो गया आपका डी ऑप्शन।
इन विच ईयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSEI वॉज एस्टेब्लिश्ड? ये नवंबर 1992 में हुआ था, तो ये आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। उसके बाद होगा कैपिटल मार्केट इज रिलेटेड टू, कैपिटल मार्केट किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, बॉन्ड्स से, शेयर एंड डेबेंचर से, तो ऑल ऑफ द एबो सबसे रिलेटेड है। उसके बाद फिफ्थ वाले ऑप्शन से चलते हैं, ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में किस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं? तो न्यू सिक्योरिटीज़ जो है यहाँ पर इशू की जाती है, तो ए वाला ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन बांद्रा मुंबई, केवल मुंबई लिखेंगे तो चलेगा। सेकंड है सिक्योरिटीज़ आर रेगुलेटेड बाई, तो आएगा सेबी, SEBI है ना, सेबी इसका आंसर है। थर्ड है टोटल कितनी एक्सचेंज, सॉरी थर्ड छूट गया है। थर्ड है मार्केट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज कॉल्ड, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिलेटेड मार्केट को कहते हैं मनी मार्केट, ठीक है। टोटल टोटल कितनी एक्सचेंजेस है, 20 एक्सचेंजेस जो है वो इंडिया में वर्क कर रही है, इसके अलावा कुछ लोकल एक्सचेंजेस है वो भी है, लेकिन 20 ऑप्शन सही होगा, ठीक है, बुक से और कंसल्ट कर लीजिएगा। वन वर्ड आंसर है, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या NSEI। दूसरा है इन विच मार्केट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस, ये होता है आंसर कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो है वो बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। थर्ड है विच इंस्ट्रूमेंट इज इशूड ऑन डिस्काउंट, तो ये आएगा डेबेंचर, डेबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, शेयर को नहीं करते हैं। फोर्थ वाला है हु लिस्ट द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करने का काम कौन करता है, तो ये होती है स्टॉक एक्सचेंजेस, इसका आंसर आएगा स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्टेड करती है। मेज द कॉलम है प्री इशूड और ओल्ड सिक्योरिटीज़ का ट्रांजेक्शन कहाँ पर होता है, तो बी सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंड है हाई लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, डी ट्रीसरी बिल में होती है। थर्ड है शेयर मार्केट क्या होते हैं, तो ये ए आएगा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होते हैं। फोर है न्यू सिक्योरिटीज़ क्या होती है, तो न्यू सिक्योरिटीज़ कहाँ पर होती है, प्राइमरी मार्केट में बाई सेल होती है। ठीक है स्टूडेंट, 10 यूनिट कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट यूनिट है 11th वाली मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, डिफरेंस है सेल्स और मार्केटिंग में, एफ सेल्स नैरो है और मार्केटिंग जो है ब्रॉड सेंस में यूज़ होती है। थर्ड है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ द मॉडर्न अप्रोच ऑफ मार्केटिंग, बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ है आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स ईजी बाई ब्रांडिंग, बिल्कुल सही है। फिफ्थ है रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी फॉर ट्रेडमार्क, बिल्कुल सही है। चले आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट जो है लेबलिंग ब्लैंक इज़ नॉट यूजफुल फॉर पीपल। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा आप मुझे ट्रस्ट करते हो और सारी चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ यूज़ कर रहे हो, एंड ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सारी चीज़ें सही और एक्यूरेट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, किसी भी तरह का जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपको आपकी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आपके परसेंटेज घटा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर बोला है कि लेबलिंग इज़ नॉट यूजफुल फॉर पीपल। तो कब होती है, कैसे होती है, कहाँ पर लेबलिंग जो है वो लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगी? तो एक्चुअली मैंने बहुत सारी बुक्स को देखा, लेबलिंग के बारे में पढ़ा, टाइप्स के बारे में पढ़ा, गूगल सर्च किया। ठीक है, मैंने अपने हर तरह से एफर्ट लगा लिए हैं, बट आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं भी नहीं मिला है। आई एम वेरी सॉरी टू कम्युनिकेट यू कि इसका आंसर मैं नहीं बता सकता, आई एम अनेबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस ब्लैंक। ठीक है, अगर आप कोशिश करिएगा अगर आपको मिल जाए कहीं से, ठीक है, बट मैं आपको किसी भी तरह का गलत आंसर इसका नहीं बताऊंगा, ये इंप्रेशन जमाने के लिए कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं स्टूडेंट, मुझे बहुत कम आता है, मैं आपसे फिर बोलता हूँ, क्योंकि इंसान जो है वो इम्परफेक्ट होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है, और उसकी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो ता उम्र चलती रहती है, एट द डेथ तक इंसान जो वो सीखता है, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, सो आई एम सो सॉरी कि मैं इसका आंसर आपको नहीं बता सकता हूँ। सेकंड देख लेते हैं, गुड पैकेजिंग ऑफ गुड्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, काई में हेल्प करता है प्रोडक्ट को पहचानने में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है।
और इन हैंडलिंग ऐसा लिख सकते हो आप। थर्ड है मार्केटिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। उसके बाद आपका है फोर्थ कंज्यूमर्स आर अट्रैक्टेड बाय। कंज्यूमर्स किससे अट्रैक्टेड होते हैं? बाय अट्रैक्टिव पैकेजिंग या अट्रैक्टिव ब्रांडिंग। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, इससे कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन यूनिट नंबर 12 पर, जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कंप्लीट होते हैं बिजनेस स्टडी के। ये फाइनल पार्ट था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।